गाइस हम जा रहे हैं आज अपने प्लॉट पे जो कि है नोएडा में। और नोएडा में जा रहे हैं हम, और ये डुगू रेडी हो चुका है। डुगू इधर ही हो, इधर तो आना भाई। यार तू पता नहीं ब्लॉग में तो अपनी फोटो भी तो दिखाया कर, तेरे डुगू फैमिली ब्लॉग्स। अरे अरे खड़ा हो, अब बोल कहाँ जा रहे हैं हम। ये क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है। तो गाइस संगीता को बोल रहा हूँ, चल रही है बाल काटने से लगी पड़ी अपनी। गाइस कैमरा मेरा ख़राब है और व्लॉग मैं बना रहा हूँ, देख लेना गाइस क्लैरिटी थोड़ी अच्छी। जल्दी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब करो तो मैं बढ़िया सा कैमरा लेकर आऊँगा, फिर मैं भी अच्छे व्लॉग बना करूँगा। और कैरी मिनाटी विनाटी ये सब जितने भी बंदे हैं सबकी तरह। तो गाइस चलते हैं, हम पहले अपनी गाड़ी उठाते फिर चलते हैं। तो गाइस ये डुगू घुस चुका है गाड़ी में, और ये देखिए बैठ रहा है डुगू। घुस गया, नहीं पहना टोपा, टोपा भी नहीं पहनता, पता टोपा पहनना चाहिए वैसे। तो गाइस डुगू के बाल देखिए कैसे हो रहे हैं, देखिए क्या बोल रहा है। तो गाइस डुगू आ चुका है अपनी फेवरेट सीट पे, हॉट सीट पे। हॉट सीट पे बैठा है डुगू है। कहीं निकलने का इसीलिए मन नहीं करता कि जाम इतना है ना इस दिल्ली में, इस दिल्ली में जाम इतना है, इतना गुस्सा आता है। अब सोचा था दिन में प्लॉट में चला जाऊँ, आपको दिखाऊंगा मैं दिन में मेरा प्लॉट कैसा है, अभी थोड़ा सा लिया है कैसे बनेगा क्या होगा। अब ये जाम ही इतना लग गया यहाँ पे कालंदी कुंज पे गाइस, पता नहीं। तो गाइस ये आ गया यमुना जी का पुल, यमुना जी का पुल, ये कालंदी कुंज में है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है गाइस, बड़ा एक घंटा लग गया मुझे, अब इतना ट्रैफिक है क्या बताऊं। देख सकते हैं, देखिए। तो गाइस ये है यमुना रिवर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, हटो चल, ये देखिए ये पानी किस धार से जा रहा, देखो किस तरीके से पानी जा रहा हो, माय गॉड। ये देखा अभी डैम खोला है इसलिए जा रहा है, पानी ऊपर ही है और ये इस तरीके से जा रहा है। ये सुपरनोवा भी दिख रही होगी आपको, ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है नोएडा की। तो ये देखिए थोड़ी धुंध तो आई गई है, और रामचंद्र कृपा इधर से बनाना, ये हनुमान जी का मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री यार संगीत गड्ढा हो रखा बहुत तगड़ा हाथ। तो गाइस ये भागवत हो रही है हमारे प्लॉट वाले एरिया में, ये देखिए देख सकते हैं आप, भागवत कर रहे हैं पंडित जी, इनके प्रवचन काफी अच्छे हैं। और देखिए पब्लिक किस तरीके से बैठी है, ये देखिए दिखा रहा हूँ गाइस, जब भी आते हैं हम एक न एक किसी की प्रॉपर्टी बनती नजर आती है हमें। यहाँ जब मैंने प्लॉट लिया था तो पूरा ऐसा था बिल्कुल। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, अब मैं अपने प्लॉट पे पहुँचने वाला हूँ 2 मिनट में। ये देखिए इधर गाइस कुछ भी नहीं था, ये सारा बन गया है, देख लीजिए। गाइस ये आ चुके हैं हम अपने प्लॉट पर, और देख सकते हैं गाइस ये हमारा प्लॉट है, ये देखिए ये रहा। और बड़ा हमने थोड़ा सा काम कराया अभी, लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें काम डिले कर दिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कुछ बन जाए पहले, तब जाके वो हो जाए। गाइस ये देखिए दोनों बैठे हैं गाड़ी में, और ये घर गाइस इसका नक्शा मैंने बनाया, उसके आगे वाला भी मैंने बनाया, उधर कोने वाला भी मैंने बनाया, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट नक्शे मैंने ही बनाए क्योंकि और तो कोई आर्किटेक्ट है नहीं यहाँ पे, छोटे मोटे हैं ये बेचारे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है इनकी मैं बना देता हूँ, क्योंकि चाहते हैं ये कि किस तरीके से बनाना है, तो मैं इनको इतना पैसा नहीं चार्ज करता क्योंकि ये जैसे तैसे तो घर खरीदते हैं और फिर जाके वो घर बनवाते हैं। गाइस देखिए इस तरीके से कुछ है, आप देख सकते हैं। क्या हो गया डुगू, क्यों नहीं उतर रहा है, क्या हो गया? जूते पहना दो उसको, चल वो रे आ गई तो है जूते पहना दो, क्यों तू पहना देगी तो क्या हो जाएगा, हाथ धोने पड़ेंगे तो मेरे को नहीं धोने पड़ेंगे, आप मेरे को ठंड लग जाएगी।
अच्छा तेरे को ठंड लग जाएगी, ला मैं गोदी ले लूँ, रुको गोदी लेगा, खड़े हो गए, पकड़िए एक मिनट।